व्यूअर्स, मैं सुदीप आपको अपना चैनल सुदीप वुमेन कुकिंग में स्वागत करता हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं सीम या ब्रॉड बीन्स से फिश करी। तो यहाँ पर फिश को हमने नमक और हल्दी से फ्राई करके रखा है। यहाँ पर है सीम या ब्रॉड बीन्स और आलू कटी हुई, और यहाँ पर है टमाटर, प्याज कटी हुई, पिसी हुई, अदरक और लहसुन। तो चलिए बनाते हैं फिश करी सीम या ब्रॉड बीन्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। में तेल गर्म हो गया है और अभी हम इसमें मेथी डाल रहे हैं, और अभी कटी हुई प्याज को कुछ समय तक फ्राई करेंगे। एक पेस्ट बनाएंगे, पहले धनिया, फिर जीरा, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक देके और थोड़ा सा पानी मिला के इसमें एक घोल बना देंगे। फ्राई हो चुका था और अभी हम इसमें कटी हुई टमाटर, पिसी हुई प्याज, लहसुन और अदरक मिलाया है, और कुछ समय तक और फ्राई करेंगे। फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे, और अभी हम इसमें मसाले का घोल मिला रहे हैं, जो मसाले का घोल बनाए थे वो। और कुछ समय तक मसाले के साथ टमाटर को कुछ और प्याज को कुछ समय तक पकाएंगे। हमारे अच्छा तरीके से बन चुका है और तेल छोड़ना भी शुरू हुआ है, और अभी हम इसमें सीम या ब्रॉड बीन्स और आलू मिला देंगे। करीब 15 मिनट मसाले के साथ आलू और सीम को पकाने के बाद, और अभी हम इसमें गर्म पानी मिला रहे हैं। और कुछ समय तक और पकाएंगे। इसमें फ्राई किया हुआ मछली को ऐड कर रहे हैं, और मछली के साथ सब्जी को पकाएंगे। मछली के साथ सब्जी को पकाने से मछली का स्वाद सब्जी में भी आएगा। मीडियम स्टीम, और ये हम लोग मीडियम स्टीम में पका रहे हैं। हमारा बन चुका है और अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता दे के और कुछ समय और पका के उतार लेंगे, और फिर मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो ये हमारा फिश फ्राई सीम के साथ बनके रेडी है, और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको हमारा बनाने का प्रोसेस अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई एडवाइस देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे अमेजन का प्रोडक्ट्स का लिंक दे के रखा है, आप उस लिंक को क्लिक करके वो सामान या फिर कोई और सामान खरीद सकते हैं। और नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक भी है, आप ज़रूर विजिट कीजिए मेरे वेबसाइट को। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है किचन रिलेटेड, तो और कंप्यूटर, मोबाइल्स, ये सब का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कोई ना कोई सामान आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर मेरा वेबसाइट को विजिट करना। और तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग।